एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बज रहे हैं 7 और हम तो आज 5 बजे पे उठ चुके हैं, क्योंकि आज हमें कहीं निकलना है वाणी जी कुछ काम से, तो उसके लिए हमें रेडी होना और सारी पैकिंग भी करना है, क्योंकि वाणी भी साथ में जा रही है। उनका छोटा मोटा सामान से खाने पीने का हुआ, उनका डायपर हुआ, उनका वाइप हुआ, ये सब कुछ हमें पैक करना है। तो वो सब हम सुबह से उठ के पैक वैक कर रहे थे, तो अभी पैक हो चुका है, बस अब जा रही वाणी के लिए नाश्ता बनाने, कुछ रख लें रास्ते में उनको खाने के लिए, और हम लोग तो बाहर का भी खा लेंगे, हम लोग को तो सब चलता है। और यहाँ इतनी अच्छी बारिश हो रही है, मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो रखा है, आज तो सुबह उठने का भी नहीं दिल हो रहा था, लेकिन जब निकलना था तो हमें उठना था। तो फिर मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर के बाद। उठ के इतना जल्दी जल्दी सारा काम करना, खत्म करना, फिर इवानी ने भी आज सारा चचूराज सारा जल्दी जल्दी काम कर लिया, इनका सब कुछ नहाना, पोटी करना, दूध पीना, सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया। तो अभी हम निकलने हैं, हमें थोड़ी देर में आज वैसे भी लेट हो गया, 9 बज के हमें निकलना था 8:30 बजे, तो फिर देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो हम रेडी हो गए हैं, इवानी भी रेडी हो चुकी है, अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे। इवानी बैग नहीं खोलते, रखो अंदर। अभी 9 भी बज गया, देखिए कब तक 9 बज गया, हम लोग को निकलना था 8:30 बजे, लेट हो गया थोड़ा, बारिश भी हो रही है ना, देखिए कितनी अच्छी वाली बारिश हो रही है और मौसम बिल्कुल ठंडा और एकदम। तो यहाँ हमें निकलते निकलते 9:30 बज ही गया और मौसम भी बहुत क्लीन हो गया, ऐसा लग नहीं रहा था कि सुबह में इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और गर्मी भी नहीं हो रही थी, अच्छा मौसम हो गया था एकदम। और यहाँ हम और इवानी पीछे बैठे हुए थे, उनके पापा आगे ड्राइव करते, क्योंकि इवानी आगे बैठती है ना तो बहुत परेशान करती, कुछ ना कुछ छूना, इधर उधर करना, तो फिर वो उनको डिस्टर्ब होता है गाड़ी चलाने में। बेटा माँ, बेटा माँ, बेटा माँ। आज पता नहीं इवानी अचानक से माँ माँ बोलने लगी, वैसे वो मम्मा ही बोलती है, बट आज पहली बार माँ माँ पूरी गाड़ी में बोलते आ रही थी। और यहाँ हम लोग बोर हो रहे थे हम दोनों, तो ये पूछ रहे थे क्या हुआ, हम लोग बोले हम लोग बोर हो रहे, तो हंस रहे, बोले अच्छा मैं गाड़ी चला के थक रहा हूँ, ये लोग बोर हो रही है। और बहुत लंबा भी लग रहा था, क्योंकि यहाँ से अंधेरी हमारे यहाँ से बहुत दूर पड़ता है ना। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके थे और बहुत मुश्किल से यहाँ का एड्रेस मिला था, ये ब्लू वाली जो बिल्डिंग दिख रही है इसी में हमें जाना था 6th फ्लोर पे। तो फाइनली हम पहुंच गए टाइम से, और टाइम से हम पहले ही पहुंच गए थे। तो हम आए थे इवानी के फ़ोटोशूट के लिए, यहाँ अंधेरी आए थे और भी लोग आए हुए थे, तो हम तो टाइम से पहले पहुँच गए थे। तो अभी देखते हैं क्या होता है, कब करते हैं ये लोग। और यहाँ इवानी को मारकर दिख गया, वो मारकर के पीछे पड़ गई, लेके भगे जा रही इधर उधर। तो उन लोगों ने एक बोर्ड दिया था फिल करने के लिए, तो उसको हमने फिल किया, इवानी के नाम, एज और ये सब कुछ लिखना था। फिल करने के बाद एक छोटी सी उन लोगों ने मीटिंग की कि मतलब क्या लगेगा, कैसे क्या होगा, ये सारे प्रोसेस करने के बाद फिर हम वापस आ गए थे। और फिर दोबारा जब हमें जाना हुआ तो हम यहाँ से नहीं गए थे पनवेल से, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत काफ़ी दूर पड़ता है और इवानी सब मतलब बहुत परेशान हो जाती है, तो पूरा दिन क्योंकि हमारा निकल जाता है, तो इसलिए हम घाटकोपर में आ गए थे एक दिन पहले अपने दीदी के यहाँ से, और यहाँ से हम गए थे। और ये फर्स्ट टाइम मेरा था कि मैंने मुंबई में मतलब मेट्रो ट्रेन से मैंने ट्रैवल किया था, तो इवानी के साथ ही थोड़ी बदमाशियाँ हो रही थी, और फिर ये थोड़ी सी क्लिप मैंने ले ली थी वहाँ सीढ़ी पे चढ़ते समय। इवानी से हम जैसे उतरे वहाँ थोड़ी देर में ऑटो मिल गया, आराम से हम पहुँच गए, पिछली बार हमने बहुत परेशान नहीं हुई थी। तो फिर यहाँ इवानी का मेकअप हो रहा है, ड्रेस मैंने इनका चेंज कर दिया है। अरे मत करो ना भाई, कितना मोह मेकअप होतेगी मेरे को, मत कर, बस कर, बहुत गुस्सा आ रहा, मार दूंगी मैं। और इवानी का फेस देख के सच में ऐसा लग रहा था कि वो मार देगी। तो फिर इवानी सब सारी चीज़ें यहाँ का छू रही थी, मतलब कैमरा और इन लोग का स्टैंड, तो मैंने इसको कोको मेलन लगा के दे दिया कि भाई तू बिजी रह। और इसके पहले एक लड़की का शूट हो रहा था, तो हमने बोला कि तब तक इवानी को हम कोको मेलन दिखाते हैं,
और फिर जब इवानी का नंबर आएगा तो देखा जाएगा। और मेरी उस दिन कमर में भी पता नहीं क्यों सडनली इतना पेन स्टार्ट हो गया कि मुझे इवानी को पकड़ने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये बार बार मतलब मेन फ्रंट की जगह से भाग जा रही थी। और ये अब मतलब इवानी के लिए तैयारी हो रही है यहाँ पे, और ये इवानी का शूट हो रहा है। इवानी तो जो उन लोगों को तंग की ना, मतलब जब वो बोले स्माइल करने को तो ना स्माइल करे, जब बोले क्लैपिंग करने को तो ना क्लैपिंग करे, बाद में सब कुछ कर रही थी। तो यहाँ इवानी का शूट हो रहा था, और फिर शूट के बाद मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई मोबाइल में, क्योंकि मेरे अचानक से बैक पे इतना पेन स्टार्ट हो गया, इतना पेन स्टार्ट हो गया था ना कि मैं तो मतलब खड़ा होना मेरे बहुत मुश्किल हो गया था। तो फिर यही था। इवानी, इवानी, के बाद आगे सारा पैकिंग वैकिंग सब इवानी के पापा ने किया, और फिर हम वापस घर के ऊपर आ गए। तो यही था इवानी के फोटोशूट का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर